इस वक्त अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। ए पुलिस वालों, कैसे बोला क्या? और एटीएस और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। ये कब ठान लिया था? 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में सीधे सीधे लिखा था, और सीधे जो लिखा था वो क्या लिखा था कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जेस हैं आतंकवाद के उसको वापस लेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया, और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश जी ने, लेकिन उससे पहले क्या कहा मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी, यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने के बाद अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे? और मैं उनका, आपका जो जज साहब ने कहा, मैं आपको उसका पढ़ के सुना देता हूं। जो बेंच था जस्टिस आर के अग्रवाल जी का और जस्टिस आर एस आर मौर्य जी का, आई कोट टुडे यू आर विड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट देम, टुमारो विल यू गिव देम पद्म भूषण, आई अनकोट। ये उस समय के डबल बेंच ने कहा, जजेस ने कहा। ये अपने आप में अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, अयोध्या में, रामपुर में बम धमाके किए, उनके खिलाफ मुस्लिम युवकों के आतंकी जो चार्जेस है उनको वापस लेने की बात उस समय अखिलेश यादव जी ने कही और करने का काम भी किया। ये तो भला हो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। ये यात्रा यही नहीं रुकती। मैं एक और, आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं हम अयोध्या में जमीन लेकर देंगे, बनारस में जमीन लेकर देंगे, 5 घर खरीद के देंगे। मुंह में राम बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव जी की सोच है। तुष्टिकरण की राजनीति का एक और उदाहरण आपके सामने देखने को मिलता है। और ये तो जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं, और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है, और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।